सो हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद जेड के में। गाइस आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ पाई नेटवर्क की केवाईसी के ऊपर। गाइस काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के बहुत से कमेंट आते हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी कब होगी, पाई नेटवर्क की केवाईसी किस तरह से होगी, पाई नेटवर्क की केवाईसी जो है गाइस वो हर एक के लिए अवेलेबल कब तक होगी। तो गाइस ये बहुत से मेन क्वेश्चन है। और गाइस इसके अलावा पाई नेटवर्क की केवाईसी का जिनके पास नोटिफिकेशन आ गया था वो लोग गाइस पाई नेटवर्क की केवाईसी नहीं कर पाए। गाइस उन्हें बहुत सी ऐसी दिक्कत आ रही थी। गाइस कौन कौन सी दिक्कत आपको पाई नेटवर्क की केवाईसी करने में आ सकती हैं और इसके साथ साथ गाइस पाई नेटवर्क की केवाईसी आपको किस तरह से करनी है और गाइस पाई नेटवर्क की केवाईसी करते में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ को करेंगे तो गाइस आपकी सक्सेसफुली पाई नेटवर्क की केवाईसी हो जाएगी। अगर गाइस आप लोग उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो गाइस आपको पाई नेटवर्क की केवाईसी करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में फुल गाइड करूंगा कि गाइस आपको पाई नेटवर्क की केवाईसी करने से पहले क्या क्या कर लेना है। इससे गाइस जब भी आपके पास पाई नेटवर्क की केवाईसी का नोटिफिकेशन आएगा तो गाइस आप लोग सीधी तरह पाई नेटवर्क की केवाईसी कर पाएंगे और पहले ही टाइम में गाइज आप लोग सक्सेसफुली अपनी केवाईसी कर पाएंगे, आपको किसी दूसरे चांस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में गाइज अंत तक बने रहिएगा। और भाइयों अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बना के लेकर आता हूँ। गाइज मैं आपके लिए उन टॉपिक पर वीडियो बना के लेकर आता हूँ जिन टॉपिक के गाइज आपके कमेंट आते हैं, जो कमेंट आता है गाइज उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना के लेकर आता हूँ। और गाइज मैं आप लोगों के कहने पर ही वीडियो बना के लेकर आता हूँ। तो गाइज प्लीज सपोर्ट करिएगा, चैनल को प्लीज सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस मैं आपको पाई नेटवर्क में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जिसको गाइस आपको पाई नेटवर्क की केवाईसी करने से पहले पहले बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी गाइस आप लोग सक्सेसफुली पाई नेटवर्क की केवाईसी कर पाएंगे। तो गाइस सक्सेसफुली पाई नेटवर्क की केवाईसी करने में आपको गाइस एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो कि गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि गाइस आपकी पाई नेटवर्क की केवाईसी, इस बात को अगर आपको ध्यान रखते हैं तो आप फर्स्ट ही राउंड में गाइस पाई नेटवर्क की केवाईसी सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो गाइस वो बात यह है कि गाइस जो आपका पाई ब्राउजर है उसका जो वर्जन होना चाहिए गाइस, यानी कि गाइस जो पाई ब्राउजर में अपडेट आते रहते हैं, अगर गाइस आप लोगों ने पाई ब्राउजर को अपडेट नहीं करा और गाइस आप लोग केवाईसी के लिए कर देते हैं, यानी कि गाइस अगर आप लोग इसकी केवाईसी कर देते हैं और आप लोगों ने पाई ब्राउजर को अपडेट नहीं करा होगा तो गाइस आपकी जो केवाईसी में होगी उसमें बहुत सी दिक्कत आ जाएंगी, क्योंकि गाइस जो पाई कोर टीम है वो नए नए अपडेट देती रहती है, नए बग्स को गाइस दूर करने के लिए अपडेट आते हैं। अगर गाइस आप लोगों ने अपडेट नहीं करा और आपके पास पुराना वाला वर्जन होगा जो कि गाइस आपके पाई ब्राउजर को अगर पुराना वाला वर्जन होगा, यानी कि कौन सा पुराना वाला 1.6 के नीचे का वर्जन होगा, तो गाइस आप लोग पाई नेटवर्क की केवाईसी नहीं कर पाएंगे। गाइस आपके पास पाई नेटवर्क की केवाईसी का नोटिफिकेशन आएगा तो गाइस आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। जैसे ही गाइस आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो गाइस डॉक्यूमेंट में कुछ परेशानी आ जाएगी। इसके साथ साथ गाइज अगर आप लोग इससे सेल्फी लेंगे तो गाइज हो सकता है आपकी सेल्फी लेने में कोई प्रॉब्लम आ जाए और भी गाइज बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जो है गाइज वो क्रिएट हो सकती है अगर गाइज आपका पाई ब्राउजर अपडेट नहीं हुआ हो। तो गाइज आपको चेक कर लेना है आपका पाई ब्राउजर जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हुआ। आप गाइज किस तरह से चेक करेंगे, आपको जाना है सिंपली गाइज प्ले स्टोर में गाइज जाकर आपको पाई ब्राउजर सर्च करना, उसके बाद गाइज आपको सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पर, उसके बाद गाइज अबाउट दिस ऐप पे क्लिक कर देना है, उसके बाद गाइज आप नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं 1.6 का ही वर्जन है मेरे पास। गाइज इस तरह से आपको भी चेक कर लेना है कि गाइज आपके पास जो वो वर्जन है पाई ब्राउजर को वो कौन सा वाला वर्जन है। अगर आपका पुराना वाला वर्जन होगा तो आपके पास केवाईसी का नोटिफिकेशन तो आएगा लेकिन आप पाई नेटवर्क की केवाईसी सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे, इसलिए गाइज आपको वर्जन का ख्याल रखना है कि 1.6 का वर्जन आपके पास अपडेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कोर टीम ने गाइज साफ साफ बता दिया है। और इसके अलावा गाइज यहाँ पर यह भी बताया है कि गाइज आपको अपना पाई ब्राउजर जरूर इंस्टॉल कर लेना है। जी हाँ गाइज, बहुत से दोस्तों ने अभी तक पाई ब्राउजर को इंस्टॉल ही नहीं करा। गाइज पाई ब्राउजर को इंस्टॉल करना कंपलसरी है जब आपके पास पाई नेटवर्क में केवाईसी का नोटिफिकेशन आएगा। जब गाइस आप लोग पाई नेटवर्क ओपन करेंगे माइनिंग शुरू करने के लिए तो गाइस आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन पे गाइस आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट गाइस पाई ब्राउजर में रिडायरेक्ट कर देगा। अगर गाइस आपके पास पाई ब्राउजर होगा ही नहीं तो वो यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा और फिर गाइस आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए गाइस अभी के टाइम में आप लोग पाई ब्राउजर को इंस्टॉल कर लिएगा, उसका न्यू वर्जन भी कर लिएगा और साथ में गाइस वॉलेट भी क्रिएट कर लिएगा। और गाइस एक बात को आपको और ध्यान रखना है कि गाइस आपको पाई नेटवर्क की केवाईसी जब ही करनी है जब गाइज आपका जो वॉलेट है पूरी तरह से तैयार हो, पूरी तरह से सेफ हो, पूरी तरह से सिक्योर हो। जी हाँ गाइज, अगर आप लोग पाई नेटवर्क की केवाईसी के लिए अप्लाई कर देते हैं यानी कि पाई नेटवर्क की केवाईसी कर देते हैं और आपका जो गाइज वॉलेट है उसकी प्राइवेट की जो है गाइज वो आपने सेफ नहीं कर रखी होगी तो गाइज आने वाले टाइम में आप दोबारा से उसे सेफ भी नहीं कर पाएंगे, आपकी सारी पाई जो है वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए गाइज आपको पहले अपनी प्राइवेट की सेफ करके रखनी है। अगर गाइज आप लोगों ने अपनी प्राइवेट की सेफ करके नहीं रखी तो गाइज आप लोग अपना वॉलेट रीसेट कर सकते हैं और दोबारा से न्यू प्राइवेट की जनरेट कर सकते हैं। उस प्राइवेट
प्राइवेट की को गाइज आप संभाल के रख सकते हैं, फिर उसके बाद गाइज आप वो KYC कर सकते हैं। गाइज याद रखिएगा, ये प्रोसेस आपको जब ही करना है जब आप लोगों ने पाई नेटवर्क की KYC नहीं करी हो। अगर आप लोग पाई नेटवर्क की KYC कर देते हैं और ये प्रोसेस करते हैं तो गाइज आपकी सारी पाई जो है वो उड़ जाएंगी, सारी पाई आपकी बर्न हो जाएगी। तो गाइज आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको पाई नेटवर्क की KYC जब ही करनी है जब आपकी पाई नेटवर्क पाई वॉलेट बिल्कुल तरह से सिक्योर हो, उसकी प्राइवेट की आपने सेव करके रख ली हो। और नहीं रखी हो तो गाइज आप लोग न्यू वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज आपको मैं और भी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, तो गाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाइयों। और जो गाइज यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है, गाइज जो आप अपनी सेल्फी लेंगे यानी कि गाइज जब आप अपनी KYC कर रहे होंगे आप लोग पाई नेटवर्क की, तो गाइज वहाँ पर आपको एक सेल्फी लेनी है जिसमें गाइज आपके हाथ में जो पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, यानी कि गाइज जिससे आप KYC कर रहे हो पाई नेटवर्क की, इन तीनों से KYC हो रही हो, जो भी जिससे भी गाइज आप लोग पाई नेटवर्क की KYC कर रहे हो वो आपको डॉक्यूमेंट लेना है और उसके सामने गाइज आपको सेल्फी लेनी है सेल्फी का कैमरा ऑन करके। तो गाइज इसमें आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि गाइज आपने जो अपने पाई ब्राउजर है उसको सेल्फी की परमिशन दे रखी हो। जी हाँ गाइज आप लोगों ने सेल्फी की परमिशन पाई ब्राउजर को दी नहीं है और गाइज आप लोग पाई नेटवर्क में सेल्फी ले रहे हैं, अपने आधार कार्ड से सेल्फी ले रहे हैं, जब आपके पास KYC का नोटिफिकेशन आ रहा है तो गाइज आप लोग से सेल्फी ले रहे हैं, तो गाइज आपने सेल्फी की परमिशन तो दी नहीं है उसको और गाइज आप लोग सेल्फी ले रहे हैं, इस वजह से गाइज आपको सेल्फी लेने में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको जो पाई ब्राउजर है उसको गाइज सेल्फी की परमिशन दे देनी है। गाइज किस तरह से आप लोग परमिशन देंगे, गाइज आपको सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ आना, वही प्ले स्टोर पे गाइज आपको यहाँ पर ऐप परमिशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे गाइज आपको सिंपली क्लिक करना और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैमरे को परमिशन दे रखी है, यानी कि गाइज जब पाई नेटवर्क की KYC का नोटिफिकेशन आएगा जब मैं सेल्फी लूंगा तो गाइज कैमरे की परमिशन मैंने यहाँ पे दे रखी है। इसी तरह गाइज आपको कैमरे की परमिशन दे देनी है, अगर गाइज आप लोग इसको परमिशन नहीं देते हैं तो गाइज आपको KYC करने के दौरान जो है गाइज वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज इस बात का आपको ध्यान रखना है, अभी जाइए गाइज आप लोग चेक कर लिए आपने पाई ब्राउजर को अपडेट करा या नहीं करा, इसके साथ साथ गाइज आपने कैमरे की परमिशन इसे दी या नहीं दी। तो गाइज आपने नहीं दी हो तो दे दिएगा, अपडेट भी कर लिएगा ताकि गाइज जब भी आपके पास KYC का नोटिफिकेशन आएगा तो गाइज आप लोग पाई नेटवर्क की KYC जो है गाइज वो फर्स्ट राउंड में ही सक्सेसफुली कर पाए। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि गाइज बहुत से दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि गाइज पाई नेटवर्क की KYC जो है वो सब लोगों के लिए लाइफ कब होगी। जी हाँ गाइज ये वाले क्वेश्चन जो है गाइज वो बहुत आते रहते हैं, तो गाइज मैं आपको बता दूं पाई नेटवर्क की KYC जो है वो सब लोगों के लिए लाइव नहीं होने वाली। जी हाँ गाइज सब लोगों के लिए लाइव नहीं होगी, क्योंकि गाइज इसके अगर सब लोगों के लिए लाइव हो गई तो गाइज आपके देख सकते हैं 33 मिलियन है जो कि इसके एंगेज पाइनियर्स, तो गाइज KYC जो है लाइव वो नहीं हो पाएगी, इसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पाई नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, इसलिए गाइज इसकी KYC कभी लाइव नहीं होगी। इसकी KYC का नोटिफिकेशन गाइज आपके पास पर डे लाखों लोगों के पास गाइज KYC का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो गाइज हो सकता है आपके पास कल आ जाए आ जाता है, तो गाइज आपके पास नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आपको गाइज बस नोटिफिकेशन का ध्यान रखना है। बहुत से दोस्त ऐसा समझ रहे हैं कि गाइज हम यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद गाइज प्रोफाइल में जाते हैं, प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज KYC का फंक्शन अवेलेबल कर दिया जाएगा सब लोगों के लिए। गाइज ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं होने वाला फंक्शन, गाइज आपके सामने नोटिफिकेशन ही आएगा, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही गाइज आपको अपनी पाई नेटवर्क की KYC करनी है। गाइज जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको KYC करनी है, सब लोगों के पास एक साथ नोटिफिकेशन पाई नेटवर्क की KYC का नहीं आएगा, किसी के पास आ जाएगा किसी के पास कल आएगा, पर डे लाखों लोगों के पास KYC का नोटिफिकेशन आएगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देगा, तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दी, तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देगा, चैनल पर नए हो भाई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और गाइज आपको कोई क्वेश्चन हो तो गाइज कमेंट में जरूर पूछेगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया गाइज, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दिएगा, बहुत से दोस्तों के गाइज ये क्वेश्चन होते हैं तो गाइज उनका क्वेश्चन जो है उनका आंसर मिल जाए, तो गाइज आप लोग शेयर जरूर कर दिएगा वीडियो को। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।